हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 24 मार्च 2018 की प्रीलिम्स एबिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीएबी की इंपॉर्टेंट न्यूज है वो डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के नजरिए से। सबसे पहले जो आज का आर्टिकल हुआ है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में, तो आजकल 2-3 दिन से इसके बारे में आर्टिकल्स वगैरह न्यूज वगैरह आ रही है, तो इसे हम एक बार डिस्कस है वो कर लेते हैं। वैसे हमने जब बजट आया था उस टाइम भी से डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो स्कीम है इसको इस बार 2018-19 का जो बजट है इस बजट में इसे घोषणा इसकी की गई थी। तो अभी से कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा अनुमति है वो मिल गई कि हाँ भाई ये स्कीम है वो आगे लॉन्च वगैरह की जाए, तो उसके बारे में सारा जो सीन वगैरह आया है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत है वो भी हम देख लेते हैं। तो को सबसे पहली बात है कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है क्या। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में ये प्रावधान किया गया कि एक तो वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। उन वेलनेस सेंटर पे काम क्या होगा कि भाई लोगों को फ्री मेडिसिन दी जाएंगी। इसके साथ ही जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जैसे कि डायबिटीज वगैरह जैसी बीमारियां होती हैं, उनका चेकअप वगैरह किया जाएगा, ताकि हमारे देश में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनकी संख्या में जो भारी इजाफा हो रहा है उसके ऊपर लगाम है वो लगाई जा सके। अब इसमें होगा क्या नेशनल प्रोटेक्शन स्कीम में, इसमें गवर्नमेंट ने यह प्रावधान रखा है कि कम से कम 10 करोड़ परिवारों को इसमें इंक्लूड किया गया कि भाई कम से कम हमारे देश के 10 करोड़ जो फैमिलीज हैं जो कि मतलब काफी गरीबी रेखा से नीचे आ रही हैं, काफी गरीब हैं, उनको एक्चुअली यहाँ पे हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वो दी जाएगी 5 लाख तक की। मतलब वो लोग हॉस्पिटल में 5 लाख तक का ट्रीटमेंट है वो फ्री करवा सकते हैं, ये इस स्कीम में प्रावधान किया गया है। मतलब एक फैमिली को 5 लाख रुपए की प्रावधान रखा गया, तो टोटल 10 करोड़ के लिए स्कीम है वो लिए कही गई है। इसको लॉन्च कौन इंप्लीमेंट करेगा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत एक एजेंसी है। वो भी हमें ध्यान रखनी है कि आयुष्मान भारत एजेंसी के द्वारा इसे इंप्लीमेंट है वो किया गया है। अब देखो आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि भाई गवर्नमेंट को पता कौन से लगेगी, कौन से गरीब लोगों किन को इसकी जरूरत है, तो इसके लिए डाटा यूज कर जाएगा सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 का होता, उस डाटा को यूज करते हुए इस स्कीम को आ गया है वो लेके जाया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे स्कीम के बारे में, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए क्योंकि ये आर्टिकल में आ रहा था। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है प्रोजेक्ट सक्षम के बारे में। तो देखो आपको एक चीज मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट सक्षम और सक्षम स्कीम काफी सारी है, कम से कम ये 5 स्कीम है, तो उन 5 स्कीम को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ताकि यूपीएससी अगर कोई स्टेटमेंट के थ्रू कुछ क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 5 स्कीम अलग अलग मिनिस्ट्रीज के द्वारा लेके गई है। तो सक्षम पहले देखते हैं प्रोजेक्ट सक्षम के बारे में, जो कि लेके आया था 2014-15 में HRD मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्या था, इसमें HRD मिनिस्ट्री जो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने ये रखा था कि भाई जो डिफरेंटली एबल जो लोग हैं, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन वो प्राप्त कर सकें। क्योंकि देखो हमारे देश में जो दिव्यांग लोग हैं वो एक्चुअली क्या है कि टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास के बार फंड वगैरह नहीं होता, काफ़ी सारे इशूज़ होते हैं। तो गवर्नमेंट भाई ये चाहती है कि उनको ऐसा नहीं हो कि कुछ कोई भी स्टूडेंट हो पैसे की वजह से स्टडी ना कर पाए या टेक्निकल एजुकेशन से ना मिले, इसीलिए गवर्नमेंट क्या करेगी फाइनेंशियल एड है वो देगी, मतलब सब्सिडी वगैरह देगी उनको एडमिशन वगैरह के लिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो ये चला गया HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, तो एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दूसरा प्रोजेक्ट सक्षम क्या है, एक प्रोजेक्ट सक्षम है वो लेके आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। ये प्रोजेक्ट सक्षम है ये मेरे लिए एक पोर्टल है, ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक प्रोजेक्ट सक्षम नाम से एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल का होगा क्या, इस पोर्टल को बनाया गया मेरे लिए वैसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम टैक्सेस के द्वारा। ये एक नेटवर्क है, इसमें होगा कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह पे वगैरह करने के लिए प्रोजेक्ट सक्षम बनाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तीसरा आपको ध्यान रखना है प्रोजेक्ट सक्षम जो कि लेके आ गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। क्यों, क्योंकि रेलवे मिनिस्ट्री के जो इम्प्लॉय हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी प्रोजेक्ट सक्षम के तहत उनकी, ताकि जो भी उनकी क्वालिटी है, जो भी उनमें कमियाँ उनको दूर करने के लिए। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो चौथी प्रोजेक्ट है सक्षम है वो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट सक्षम इसलिए चलाया है तो यह एक इवेंट के तरीके से चलाया उन्होंने, मतलब इवेंट का एक मेन मोटो ये है कि देखो पीपल टू पीपल के बीच में एक तरीके से अवेयरनेस है वो क्रिएट की जा सके, मतलब लोगों को समझाया जाए, उनको अवेयर करवाया जाए कि भैया फ्यूल कंजर्वेशन है उस पर फोकस करो, क्योंकि देखो फॉसिल फ्यूल हो या फिर और भी कोई भी तरह का फ्यूल है वो जितनी हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करें, ऐसा नहीं कि हम फालतू में उसको वेस्ट करें, मतलब जितना कम यूज़ कर सकते हैं कि भाई लॉस भी ना हो, जितनी हमारी बेसिक डिमांड है वो भी फुलफिल हो जाए, उन सबको ध्यान में रखते हुए फ्यूल कंजर्वेशन के तहत ये स्कीम है या इवेंट है वो चलाया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पांचवा आता है वो आता है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा प्रोजेक्ट सक्षम चलाया गया है, उसका मेन मोटो ये है कि रूरल एरिया में जो यूथ हैं उनमें कैपेसिटी बिल्ड की जाए, इसके साथ ही उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि उनको रोजगार वगैरह मिल सके, वो इधर उधर ना घूमें। तो ये हमारे देश में इंप्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया। तो आपको ये 5 प्रोजेक्ट सक्षम और डिस्कस करने याद रखने यहाँ पे कि यूपीएससी स्टेटमेंट के थ्रू पूछ सकती है। आप कन्फ्यूज हो गए यार 5 स्टेटमेंट अलग अलग है, क्या पता कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो यहाँ पे 5 स्कीम है ये आप हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वो आई है INAM प्रो के बारे में। आई एन ए
IAM सॉरी प्रो प्लस, क्या है IAM प्रो प्लस? यह मेरे लिए ऑनलाइन पोर्टल है जो बनाया गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इसमें होगा क्या, इस पोर्टल में यह प्रावधान किया गया है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी रॉ मटेरियल वगैरह है उसके बारे में कोई भी किसी को परचेज करना हो या फिर कोई भी सेल वगैरह कुछ करना हो तो इस पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन वो रहेगी। तो आपको एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरीके का ये पोर्टल है और क्या इसमें है। मेनली ये पोर्टल कुछ इस तरीके का बना हुआ है और एक सेकेंड, इस पोर्टल में से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसमें सारी नीचे डिटेल दी गई है कि कोई भी अगर सेलर वगैरह तो वो बता सकता है कि भाई उसके पास मिक्सर वगैरह है कि वो कंक्रीट वगैरह सप्लाई कर सकता है, फिर कोई बायर है उसको कोई भी चीज ईंट वगैरह तो वो सारी इस पे सप्लाई वगैरह है वो सब यहाँ पे मेंशन हो की गई है। तो एक तरीके से ऑनलाइन खरीदने और बेचने का एक पोर्टल है वो बनाया गया है IAM प्रो प्लस। एक चीज आपको और बता दूं कि पहले एक पोर्टल और बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, वो था IAM प्रो। तो IAM प्रो जो पहले पोर्टल बनाया गया था उसमें केवल सीमेंट बेचने की बात थी, मतलब सीमेंट के लिए बनाया गया था वो पोर्टल, बट प्रो प्लस में क्या कर दिया गया कि सारा सामान ऐड कर दिया गया, जो रॉ मटेरियल वगैरह वो सब कंस्ट्रक्शन वगैरह से रिलेटेड ही है। तो हमने इसे यहाँ पे भी डिस्कस है वो कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वो है GSLV मार्क 3 के बारे में, इसके बारे में भी न्यूज़ थी वो भी हम देख लेते हैं। देखो GSLV मार्क 3 के बारे में आपको ये ध्यान रखना है साइंस एंड टेक के नजरिए से कि है इसरो का अभी तक का सबसे भारी रॉकेट है, मतलब इसरो के जितने भाई भारी उपकरण जो लेके जाने सेटेलाइट वगैरह उसको ले जाने में काफी हेल्पफुल होगा, सबसे भारीतम जो सामान वगैरह वो लेके जाएगा यह GSLV मार्क 3, इसलिए है इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह लास्ट ईयर ही न्यूज में था, यूपीएससी इस पर क्वेश्चन से वो पूछ सकती है। उसके साथ एक ये ध्यान रखना है कि इसमें तीन स्टेज होती है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड, तो ये चीज आपको ध्यान रखने की सॉलिड लिक्विड सॉलिड होती है। स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज इंजन है, ये भी ध्यान रखना कि क्रायोजेनिक इंजन है, स्वदेशी ऑब्वियसली इंडिया ने बनाया है। इसके बाद में होगा क्या, देखो एक चीज ये है कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं ना वो सैटेलाइट क्या होते हैं काफी हेवी होते हैं, तो उनका वेट है किसी का 4 टन होता है किसी का 400 टन, कमल काफी बहुत भारी बड़े होते हैं वो, तो उनको कैरी करने के लिए क्या कि बड़े व्हीकल्स ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल, तो वो बनाया गया GSLV मार्क 3। तो यह मेनली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको लॉन्च करने के लिए ले जाने के लिए हेल्प होगा। कौन सी ऑर्बिट में वो ले जाएगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जियो सिंक्रोनस जो ट्रांसमिट ऑर्बिट है उसके अंदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उनको लॉन्च किया जाता है और वो GSLV मार्क 3 की वजह से काफी हेल्पफुल हो रहे हैं। देखो हमने साइंस एंड टेक एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि सन सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कौन से होते हैं, तो वहां के उस लेक्चर के बारे में वो वापस डिस्कस कर लेंगे आगे, जो साइंस एंड टेक का हमारा लेक्चर है वहां पे। अब देखते हैं आगे, अगले जो न्यूज आई है वो ये हैमर स्पेस एयरक्राफ्ट के बारे में। तो देखते हैं कि हैमर स्पेस क्राफ्ट क्या है, क्योंकि ये यूपीएससी पूछ सकती है। देखो एक चीज में यहाँ पे दो न्यूज इंपोर्टेंट आती है, सबसे पहली आती है यहाँ पे बेनू एस्टोरॉयड है, उसको 1993 के आसपास मिलते से खोजा गया था कि ये एक एस्टोरॉयड है। इसका ऐसे उम्मीद की जा रही थी नासा के द्वारा कि भाई ये एस्टोरॉयड है कुछ टाइम बाद इस अर्थ के टकरा सकता है, और अगर इसी अर्थ के टकराया तो अर्थ पे भारी विनाश है वो हो सकता है, अर्थ वो तबाह हो जाएगी। तो इसीलिए क्या कह रहा है नासा ने एक स्पेस क्राफ्ट बना नासा है वो एक स्पेस क्राफ्ट बना रहा है जिसका नाम है हैमर। ये स्पेस क्राफ्ट क्या करेगा, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी होगी, यूं ही ये बेनू उपग्रह हमारे जो बेनू एस्टोरॉयड है ये हमारी अर्थ के पास जाएगा, उस टाइम पे क्या है कि पहले से तैयार होकर उसको टकरा के उसको क्या है कि बर्थ से अलग कर देगा, मतलब रास्ते से अलग कर देगा ताकि वो अर्थ से ना टकराए। तो इसके लिए हैमर स्पेस क्राफ्ट वो बनाया जा रहा है, मतलब जो बेनू एस्टोरॉयड है वो हमारी अर्थ के ना टकराए, इसलिए हैमर स्पेस क्राफ्ट है उसका निर्माण किया जा रहा है नासा के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखने की हैमर स्पेस एयरक्राफ्ट कौन बना रहा है, नासा बना रही है, इंडिया नहीं बना रहा है, किसके लिए बना रही है, बेनू एस्टोरॉयड को जो कि हमारी अर्थ के टकरा सकता है उससे बचाने के लिए। तो ये सारी न्यूज थी वो हमने यहाँ पे देख ली है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में, FSB के बारे में, तो इसे भी हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है वो मेनली एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि 2009 में बनाई गई थी, इससे पहले एक दूसरी बॉडी थी इसकी जगह, उसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम है, इसकी G20 की मीटिंग हुई थी 2009 में, उस टाइम पे कहा गया कि भाई इसको तो बंद कर दो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फोरम को, इसकी जगह बना दो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, क्योंकि इसमें कुछ कमियां थी उसकी वजह से G20 कंट्रीज के द्वारा इसे 2009 में बनाया गया। काम क्या करती है बॉडी, इस बॉडी का काम ये है कि भाई जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसको मॉनिटर करती है और जो भी इकोनॉमी उसको सुझाव देती है कि भाई आप इस तरीके से काम करिए, ये चीज आपकी इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं, सारा जो भी सुझाव वगैरह देने का काम है फाइनेंशियल से रिलेटेड वो काम करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई इंडिया वगैरह ने अकेले नहीं बनाया है, ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। इसको फंड कौन देता है, इसको फंड दे देता है वो दे जाता है बैंक फॉर
बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा, मतलब इसको जो फंड मिलता है वो मिलता है इंटरनेशनल सेटलमेंट, एक बैंक है उसके द्वारा इसको फंड है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। कंटेक्स्ट क्या था? कंटेक्स्ट कुछ ये था कि बिटकॉइन को लेकर इन्होंने अपने स्टेटमेंट वगैरह दिए थे कि भाई बिटकॉइन है उसका काफी मिसयूज हो रहा है, जैसे कि कहीं भी फिरौती वगैरह मांगने में बिटकॉइन का यूज हो रहा है, क्योंकि उसको ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है, तो हमें उन ऐसी चीजों पर यूज करने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि ये कहने की हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी चीजें नहीं है। तो वो सारे पॉइंट्स थे, इसके बारे में हमने काफी आर्टिकल्स भी पहले डिस्कस किए गए। तो ये थी हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने आर्टिकल डिस्कस किया था नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि 2018-19 के बजट में गवर्नमेंट लेके आई थी। इसमें क्या होगा? इसमें गवर्नमेंट फ्री मेडिसिन देगी, इसके साथ ही 10 करोड़ परिवारों को इसमें हेल्थ इंश्योरेंस वो दिया जाएगा, मतलब 5 लाख तक का। इसके साथ ही इसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, वो कर रहा है भारत आयुष्मान भारत एजेंसी है। इसके साथ हमने प्रोजेक्ट सक्षम के बारे में डिस्कस किया, तो 5 प्रोजेक्ट सक्षम थे, कौन कौन से थे? एक तो HRD मिनिस्ट्री का था, एक था वो था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो कि नेटवर्क था, इसके साथ ही रेलवे मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया, और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने फ्यूल कंजर्वेशन के लिए इवेंट चलाया, इसके साथ ही रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने कि यूथ को कैपेसिटी बिल्ड करने और ट्रेनिंग देने के लिए इसे चलाया था। इसके साथ ही हमने INM प्रो प्लस के बारे में डिस्कस किया गया, जो कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। काम क्या है? यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका काम ये है कि उसमें जो भी सेलर या परचेजर है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाल दें कि भाई हम ये चीज़ सप्लाई करते हैं, ये बेचते हैं, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है। इसके साथ ही हमने GSLV मार्क 3 के बारे में डिस्कस किया, जो कि इसरो का भारी रॉकेट लॉन्चर है, या जो भी जो सैटेलाइट वगैरह हैं इनको लेके जाएगा स्पेस के अंतर्गत। इसके साथ ही हमने हैमर स्पेसक्राफ्ट देखा, जो कि बेनू एस्टेरॉयड को खत्म करने के लिए बनाया गया है, नासा इसे बना रहा है मेनली। इसके साथ ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, 2009 में बनाई गई थी, और इसे बनाया था G20 की कंट्रीज ने 2009 में। ये एक फाइनेंशियल जो सिस्टम होती है उसको मॉनिटर करती है, उसके बारे में सुझाव देती है। इसको फंड मिलता है, वो मिलता है इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के द्वारा, ये एक बैंक है। तो ये थी डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।